बेगूसराय में बढ़ते अपराध पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एसपी अवकाश कुमार को जमकर फटकार लगाई। पिछले दिनों फुलवरिया में ट्रांसपोर्टर रविंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो छात्र प्रिंस कुमार की भी हत्या हुई। वहीं पुलिस ने रविंद्र राय की हत्या के मामले को एक्सीडेंट में बदल दिया। परिजनों ने कहा कि रविंद्र राय के पोस्टमार्टम में उनके शव से गोली निकली। प्रिंस कुमार की हत्या के मामले में हत्यारों को पकड़ने के बजाय बेगूसराय की पुलिस ने मृतक के घर की महिलाओं को ही जेल भेज दिया। वहीं जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द सुना तो उन्होंने सीधे जिले के एसपी को फोन लगा दिया। उन्होंने एसपी से पूछा कि ये कैसा इंसाफ है कि मृतक के परिजनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लोग बेगूसराय जिला खाली कर दें? गिरिराज ने कहा कि बेगूसराय में पुलिस का दहशत खत्म हो गया है। गिरिराज सिंह ने एसपी को फोन पर कहा कि राक्षस लोगों को यहां थाने में बिठा दिया गया है, जो एक एक कर लोगों को मारकर एक्सीडेंट का केस बना देते हैं। अरे आप लोग सुन नहीं रहे हैं, शांत रहिए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को एकजुट होकर के एनडीए ने भारी बहुमत से विजय बनाया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते कि जैसे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया, वैसे ही एनडीए के चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार एकजुट होकर के जीते। कभी कभी आप घर से वोट देने नहीं निकलते तो उसकी गिनती कहाँ होती, इसका मतलब नहीं कि आप विरोध नहीं, मत ज्यादा उत्साह में थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में ज्यादा उत्साही थे, इसीलिए सभी कार्यकर्ता बूथ पर नहीं जमा पड़े। देखिए, मैं किसी व्यक्ति को आतंकवादी नहीं कहता, मैं कहता कि जो आतंकवादी को समर्थन देता वो उतना ही गुनाहगार है जितना वो। ये CAA NRC का विरोध, NRC तो आया नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्रांसपोर्टर रविंद्र राय और पॉलिटेक्निक छात्र की हत्या के मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया। सिंह ने एसपी अवकाश कुमार की जमकर क्लास लगाई। एक मिनट एसपी साहब उसको घर से पकड़ करके पूरे परिवार को ले गए, जिसका बाल बच मरा हो। आप कह रहे हैं एक्सीडेंट, कह रहा हत्या खून का है, छोड़िए आप। इसका मतलब मैं समझ गया कि आप लोग चाह रहे हैं कि कोई जुबान न बोले, हत्यारा हत्या करते जाए। और आपका क्या झूठ, आपके कहने, केवल आपके कहने से झूठ होगा? आपका पुलिस वहां से औरतों को रात में खींच करके लाता है, इतना भी है। लेकिन औरत को घर से खींच के ले आएंगे? नहीं, जेल कैसे नहीं भेजे, घर से क्यों लाए औरत को? जेल तो भेज ही दिए, जेल तो भेज दिए, तो CGM धनबाद जो रिमांड किया। और इसका मतलब ये है, इसका देखिए, गलती को छुपाइए मत। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपराधी सर शहर करके बोल रहा है, और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी हत्या को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। आप केवल ईमानदार होने से नहीं होता है, क्या प्रोटेक्ट? किसी के घर से औरतों को निकाल के ले जाता है थानेदार, और आप उस नहीं, मैं जो आपसे पूछता हूँ, वो जो लड़का प्रिंस मारा गया,
उसके घर से उनके, आप कहिए, पब्लिक कह रही है मारा गया, दौड़ता हुआ खून है, पब्लिक जज, और आप जज, आपकी पुलिस जज बन जाए, कोर्ट को मैटर हम जानते हैं, आप तो बनावटी मैटर दीजिएगा, आपका कोर्ट का मैटर, ये सब दारू का मैटर है और कुछ नहीं है। रविंदर राय का मर्डर क्या हुआ? पॉलिटेक्निक वाला छात्र पान दुकान पर मार दिया, पान दुकान पर, उसके बाद भी सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एकदम पुलिस। देखिए सही को सही कहिए, ईमानदार पुलिस अधीक्षक होने का मतलब नहीं है कि अपने करतूत को आपके लोग जो कर रहे हैं उसको छुपाइए। इसमें क्या कर रहे हैं रविंदर राय वाले में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर मत कीजिए, पॉलिटेक्निक नहीं ट्रांसपोर्टर। आपको आप आपका आपके जिले में सब दारू लेकर के हत्या। बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार को इन आरोपों के बारे में अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन हत्या के मामले को अगर पुलिस एक्सीडेंट में बदल रही है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।